हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको लेवल्स को नोट डाउन करने में या फिर आपको स्क्रिप्ट नेम अगर नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप रेफर करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेवल्स के साथ साथ स्क्रिप्ट नेम भी अपडेटेड मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को कंटिन्यूसली हम लोग ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक हम लोगों को एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो नीचे की साइड से एक अच्छा ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से स्टॉक कंटिन्यूसली आपको अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। आज भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, नेक्स्ट हाफ में यहाँ पे मार्केट के साथ साथ इस स्टॉक में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था, बट लास्ट का अगर 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, क्लोजिंग 5 मिनट का कैंडल, तो वंस अगेन आपको सेम इंपॉर्टेंट जोन से ही बाउंस बैक किया है। इस लेवल पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया है और वापस से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सेकेंड हाफ के सेशन में बना था। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। समवेयर अराउंड आपको 895 के लेवल के ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक में बाई पोजीशन बनाएंगे। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 895 के लेवल के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे। 889 का हम लोगों का एसएल होने वाला है, तो 6 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। 901 पहला टारगेट रहेगा, 907 दूसरा टारगेट रहेगा। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, सेकेंड स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डेली चार्ट पे अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, अभी क्लियरली ब्रेक नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग ऊपर की साइड बाई करेंगे। स्टॉक जब 2773 के लेवल के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 2773 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 2760 के नीचे, तो क्लियरली 13 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट जो यहाँ पे होने वाला है 2786 का होने वाला है, दूसरा टारगेट जो है हम लोगों का 2800 का हो। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे रिलायंस। रिलायंस के डेली चार्ट पे आज रिलायंस में बहुत ही अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक ने आपको एक गैप को भी फिल किया, जो कि गैप यहां पे क्रिएट हुआ था आपको जून के मंथ में, और जून के मंथ के बाद तकरीबन 5 मंथ के बाद आपको यहां पे स्टॉक फर्स्ट टाइम 2680 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था बट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। फाइनली आज के सेशन में हम लोगों को स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आता हुआ दिखा और स्टॉक यहां पे इस लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब यहां पे इस स्टॉक को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग बाई साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। 2721 के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 2742 पहला टारगेट रहेगा, 2763 दूसरा टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अगर डेली चार्ट पे बात करेंगे तो इस स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे, स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था बट फाइनली अगर देखेंगे तो वापस से इस स्टॉक में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियरली स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है,
जैसे ही यहाँ पे रेंज ब्रेक होता है उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक में जो हम लोगों का एंट्री पॉइंट होने वाला है 836 के नीचे, हम लोगों का यहाँ पे आपको एंट्री होने वाला है। 836 के नीचे एंट्री होगा, 840 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, 832 का पहला टारगेट रहेगा, 828 का दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक है आपको SRF के। अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे, स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में दिख रहा था, बट यहाँ पे हम लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में आपको ट्रेड किया, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद क्लियरली यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। फाइनली यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2300 के लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे क्लोज किया है। नेक्स्ट टारगेट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2400 के लेवल तक स्टॉक जो है यहाँ पे आपको अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय करने वाले हैं 2336 के लेवल के ऊपर। 2336 के लेवल के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है 2320 का आने वाला है। 16 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 2352 का रहेगा, दूसरा टारगेट 2368 का रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनकेस आप लोगों को कोई भी डाउट हो स्क्रिप्ट नेम या फिर लेवल्स में तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।